नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू गेन वेट और वेट कैसे गेन किया जाए। अगर आप एक हाउसवाइफ है, हस्बैंड है या स्टूडेंट है कि जो वेट गेन नहीं कर पा रहे, तो जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। आज का वीडियो देखिए और आज के वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन और सारे मिथ जो आप गलत तरीके से वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हो, उसका हम फिनिश करेंगे, उसका हम खुलासा करेंगे। मेरी पहली टिप है कि ज़्यादा खाना ना खाए। मतलब जब भी आप वेट गेन करना चाहते हैं तो खाने की चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको न्यूट्रिटिव वैल्यू देती है या आपकी बॉडी में जिसकी ज़रूरत होती है। जनरली जब भी हम वेट गेन करना चालू करते हैं, हमें सिर्फ यही होता है कि हम खाना ज़्यादा कर लें। ज़्यादा खाना करने से वेट गेन कभी भी नहीं होता। तो वेट गेन करने के लिए सबसे पहले टिप कि जो आपको नहीं करना है, वो चीज़ है कि ज़्यादा खाना आपको नहीं खाना है। ज़्यादा खाना खाने से आपकी बॉडी उस खाने को वॉमिटिंग, नौजिया या फिर डायरिया के जरिए बाहर निकाल देगी। वो खाना आपकी बॉडी में जाएगा और उसमें सिंथेसाइज मतलब वो खाने का कोई इस्तेमाल बॉडी नहीं करेगी, क्योंकि बॉडी को इतने खाने की आदत है ही नहीं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तरह समझाता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल कोई एमबीबीएस का स्टूडेंट या फिर कोई ट्वेल्थ का स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहा है अपनी साइंस के एग्जामिनेशन के लिए, वो अगर पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करता है, दो घंटे, तो लास्ट में जाकर उसे सब याद रहता है और अच्छे से एग्जाम दे पाता है। अब उसी चीज़ में अगर वो लड़का एक दिन में या एक रात में पूरी चीज़ कवर अप करने की कोशिश करता है, तो उसका माइंड याद नहीं रखेगा कोई भी चीज़। हमारी बॉडी भी इसी तरह से वर्क करती है। हमारा जो खाना होता है, वो खाना अगर हम ज़्यादा खा लेते तो वो बॉडी के स्टूल में से या वॉमिटिंग के जरिए बाहर निकल जाता है और वो खाने का कोई भी इस्तेमाल बॉडी वेट गेन के लिए नहीं करती है। मेरी दूसरी टिप, आप एक्सरसाइज करना चालू करें। जब भी आप कोई खाना खाते हो तो बॉडी में वो जाकर सारा खाना यूटिलाइज हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले बॉडी को खाना खाने से पहले खाने को यूटिलाइज करने की आदत डालनी बहुत ज़रूरी है। इस खाने की यूटिलाइज कैसे करेंगे? जब आप कोई एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपके मस्कुलर और या फिर आपकी बॉडी कोई भी कैलोरी बर्न करेगी, तब आपकी बॉडी उस खाने को सिंथेसाइज करेगी, मतलब जो भी आप खा रहे हो उसका सही इस्तेमाल करेगी। तो दूसरी टिप है कि आप एक्सरसाइज करना चालू करें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आपका वेट गेन होना बहुत मुश्किल है, शायद 2 किलो 3 किलो हो जाए, उसके आगे बढ़ना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आप एक्सरसाइज वीक बाय वीक प्रोग्रेसिवली करते जाएंगे, डिफरेंट वेराइटी ऑफ एक्सरसाइज, देन एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू गेन वेट। तभी आप अच्छा वेट गेन कर पाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। टिप नंबर 3, आपको क्वालिटी खाना खाना है। मतलब आपको क्वालिटी न्यूट्रिएंट बेस्ड फूड लेना है। हमें फास्ट फूड, हमें पिज़्ज़ा बर्गर या फिर मिल्क शेक्स ये पी के हमारी पेट और वेट दोनों नहीं बढ़ाना। हमें हमारी बॉडी में अच्छे मसल्स, अच्छे लिगामेंट्स, अच्छे कार्टिलेज और अच्छे बोन स्ट्रक्चर को डेवलप करना है। तो इस दौरान आपको अच्छा न्यूट्रिएंट बेस्ड ग्रेन्स, अच्छे प्रोटीन्स, अच्छे फैट्स, ये सभी खाने आपको खाना चाहिए। इसके एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी स्लाइड्स में दिखा रखे। टिप नंबर 4, स्लीप वेल। जब आप अच्छा सोते हो तो आपकी बॉडी दो चीज़ें करती है। पहली चीज़, आपकी बॉडी को हील होने के लिए टाइम मिलता है। जो भी आप दिन भर में एक्सरसाइज करते हो, वो एक्सरसाइज से बॉडी को हीलिंग के लिए बहुत टाइम चाहिए, तो वो टाइम आप स्लीपिंग के दौरान देते हो, तो आपके मसल्स, आपके स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो होता है। सेकेंड चीज़, जो आप खाना खाते हो वो डाइजेस्ट और मेटाबोलाइज तभी के टाइम में होता है। तो मेटाबॉलिज्म के लिए और मेटाबॉलिक रेट को अच्छा करने के लिए, अपने बीएमआर को अच्छा करने के लिए सोना बहुत ज़रूरी है। दिन में अगर कोई आप बच्चे हो तो 10 से 12 घंटे, अगर आप एडल्ट हो मतलब आपकी उम्र अगर 20 साल से लेकर 40 साल की है तो 6 से 7 घंटे, और अगर आपकी उम्र 50 साल से 70 साल की है फिर भी आपको वेट गेन करना है तो आपको 8 से 10 घंटे सोने की ज़रूरत होती है। बच्चों और बूढ़ों को स्लीप ज़्यादा चाहिए होती है और एडल्ट को स्लीप कम चाहिए होती है। टिप नंबर 5 कि आपको कोई भी ड्रग्स या कोई भी मेडिसिन वेट गेन के लिए यूज़ नहीं करनी। आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे आपको कि भाई ये मेडिसिन ले लो आपका वेट गेन हो जाएगा, ये मेडिसिन ले लो आपका वेट गेन हो जाएगा, ये डब्बा खा लो आपका वेट 5 किलो गेन हो जाएगा। जो चीज़ जितने जल्दी आती है उतनी ही जल्दी चली जाती है। जितना आप अच्छे से और सिस्टमेटिकली वेट गेन करेंगे या मसल बिल्डिंग करेंगे, उतना आपको ज़्यादा टाइम तक वो आपका वेट ऐसे ही ऐसे रहेगा। और अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ डब्बा खाकर या सप्लीमेंट खाकर या फिर टैबलेट्स खाकर आप वेट गेन करेंगे, तो आपकी बॉडी उस वेट को जल्दी बाहर निकाल देगी। तो प्रीफर कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी ड्रग्स वेट गेन के लिए यूज़ ना करें। अब ये आपने 5 टिप्स देखी जहाँ पे आप वेट गेन करने के अपने आप से प्रयत्न चालू कर सकते हैं। लेकिन
अब हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग रिएक्शन देती है, तो इसकी डिटेल डाइट और डिटेल डिस्क्रिप्शन, डिटेल एक्सरसाइज और उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन वो हर किसी के लिए अलग अलग होती है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं हर किसी के इंडिविजुअल डाइट्स और एक्सरसाइज प्लान यहाँ पे वीडियो में बता पाऊँ, लेकिन मैंने ट्राई की है कि जो 5 मिस्टेक जो हर कोई यंग और एडल्ट पर्सन करता है वो आप ना करें, और डिटेल डाइट और डिस्क्रिप्शन के लिए कमेंट डाउन में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसके बारे में और एक पार्ट 2 का वीडियो बनाएंगे और इसमें आप बहुत अच्छे से डाइट और एक्सरसाइज को समझ भी पाएंगे।